समस्त जनों को प्रणाम और एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं वास्तु विकल्प के नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आए हैं 2100 स्क्वायर फीट पर नवनिर्मित बहुत ही शानदार मकान देखने, और वीडियो की शुरुआत इस गार्डन से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मकान का मुख इसी गार्डन की तरफ है। तो मकान के सामने प्राकृतिक सौंदर्य तो हमने देख ली, अब कैमरे को घुमाते हैं मकान की तरफ और ये मैं आपको यहां से पूरा बिल्डिंग का एलिवेशन दिखा देता हूं। यहां पर भी पेड़ बीच में आ रहा है, थोड़ा साइड से आपको दिखाता हूं मैं एक बार इसका एलिवेशन। 2100 स्क्वायर फीट के प्लॉट एरिया पे करीब 3500 बिल्टअप है इसका। फ्रंट से आप एलिवेशन देख रहे हैं, 35 फीट फ्रंट है इसमें और 60 फीट गहराई है। मकान के सामने एक छोटा सा गार्डन के लिए स्पेस दिया है पेड़ पौधे वगैरह लगाने के लिए, और प्लस साथ में इसमें आप ये जो कॉलम का स्पेस देख रहे हैं यहाँ पे आप लाइटिंग से अपना डेकोरेशन कर सकते हैं, नेम प्लेट लगा सकते हैं साइड में। और इसके बगल में ये आएगा आपका रैंप का स्पेस, हालांकि रैंप अभी बना नहीं है पर इसमें आप देख रहे हैं एक बड़ा गेट दिख रहा है फोर व्हीलर के लिए, छोटा गेट नॉर्मल अपने आने जाने के लिए। तो अब चलते हैं मकान के अंदर, और इसमें मैं आपको बता दूं ग्राउंड फ्लोर पे दो छोटे 2 BHK फ्लैट निकाले हैं रेंट के हिसाब से, और ऊपर यानी फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे बना हुआ है डुप्लेक्स। तो ये एक हमारा 2 BHK फ्लैट हो जाएगा जिसका एंट्रेंस आपको यहाँ से आ जाएगा, और छोटी फैमिली के हिसाब से बहुत सफिशियंट स्पेस निकाली है 2 BHK में भी। तो फ्लैट में आपको अंदर से नहीं दिखाऊंगा, बस आपको एक आइडिया दिया। एक फ्लैट हमारा ये हो गया फ्रंट में। इसके बाद वापस से साइड में चलते हैं, अपनी पार्किंग की स्पेस देख लेते हैं। ये पूरा आप जो देख रहे हैं फोर व्हीलर प्लस टू व्हीलर आप आराम से इसमें कवर कर सकते हैं। सामने जो विंडो देख रहे हैं ये हमारे फ्रंट वाले 2 BHK फ्लैट की बेडरूम की विंडो है। इसमें आपको एक बोरिंग भी दिख रहा है यहाँ पे जो मकान में किया हुआ है। सामने आपको स्टेयर्स दिख रही हैं, और पहले स्टेयर्स की तरफ चलते हैं। जो एक और 2 BHK फ्लैट है ग्राउंड फ्लोर पे ही उसका पोर्शन दिखा देता हूं मैं आपको। आप देख रहे हैं कि कॉमन लॉबी में भी प्रीमियम क्वालिटी की ही मार्बल टाइल्स सब लगाई गई हैं। ये ऊपर स्टेयर्स का पोर्शन है जिससे हम अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलेंगे। पूरा SS की रेलिंग से काम किया गया है इसमें, उससे पहले हमारे ग्राउंड फ्लोर का सेकंड 2 BHK फ्लैट। तो इस वक्त आपको स्क्रीन पे जो खिड़की दरवाजे दिख रहे हैं ये हमारे सेकंड फ्लैट के ही दिख रहे हैं। इसका एंट्रेंस गेट मैं आपको यहां से दिखा देता हूं, और ये प्लॉट के बैक साइड में आएगा। इसी के सामने से स्टेयर्स दिख रहे हैं, और अब हम स्टेयर से चलते हैं अपने फर्स्ट पोर्शन पे, फर्स्ट फ्लोर के पोर्शन पे जहां से हमारा डुप्लेक्स चालू होगा। SS की रेलिंग से पूरा काम किया गया है। स्टेप्स भी आप देखेंगे तो काफी इजी और कंफर्टेबल स्टेप्स हैं। स्टेयर्स में जो बीच का पोर्शन है ये खुला हुआ था, यहाँ पे MS की रेलिंग से इसको कवर किया गया है। ये यहाँ से भी मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देता हूँ, और यहाँ से चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो दोस्तों ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आने के लिए बाहर से स्टेयर्स दी थी जिससे हम अभी आए हैं, और फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक स्टेयर्स बाहर से भी कंटिन्यू रहेंगी प्लस अंदर से भी है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया फर्स्ट फ्लोर से हमारा डुप्लेक्स चालू होता है। तो ये दो एंट्रेंस गेट आपको दिख रहे हैं, इनके सामने मैं आपको कॉमन स्टेयर्स दिखा देता हूं जो ऊपर तक कंटिन्यू होंगी स्टेयर्स पोर्शन तक, और यहां से हमारा मेन ड्राइंग एरिया का एंट्रेंस हो जाता है। ये देखिए आप अंदर भी आपको स्टेयर्स दिख रही हैं ऊपर जाने के लिए, पर अंदर जाने से पहले मैं आपको इसके एंट्रेंस गेट की हाइट दिखा देता हूँ। 8.5 फीट की हाइट है इसकी, ये देखिए, और वुडन पैनलिंग पूरी की हुई है। ओनर ने खुद अपने रहने के हिसाब से बनाया था, तो क्वालिटी में, इंटीरियर में, स्ट्रक्चर में, वुडन वर्क में, टाइल्स में, किसी भी चीज में आपको किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा। मैं उन्हें पर्सनली जानता हूं, गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए हैं, यहीं भोपाल में रहते हैं। तो आप जब साइट विजिट पे आएंगे और अगर आपको ये डुप्लेक्स पसंद आता है तो आप जब कहेंगे आपकी डायरेक्ट उनसे मीटिंग करा दी जाएगी। इस वक्त मैं आपको ड्राइंग एरिया का पूरा फ्लोर टू रूफ स्पेस दिखा रहा हूं, और चारों तरफ से इसका व्यू दिखा देता हूं आपको। वुडन वर्क अभी चल रहा है घर में, इसलिए थोड़ा काम वगैरह सामान वगैरह फैला हुआ है सब, तो उन चीजों को नजरअंदाज कीजिएगा। डबल चार्ज वेट्रीफाइड ब्रांडेड टाइल्स लगी हुई हैं। ये पूरा फ्लोर टू रूफ का स्पेस देख लिया आपने। सामने से मैं आपको साइड से ये पोर्शन दिखाता हूँ। वुडन वर्क से इसका पार्टीशन किया जा रहा है ड्राइंग एरिया और डाइनिंग एरिया का। पूरी रूफ हाइट तक इसका पार्टीशन चल रहा है। इसके पीछे के पोर्शन में यानी ये आ गया हमारा डाइनिंग का एरिया, और क्योंकि मकान बनाते वक्त प्लॉट के पीछे और आगे दोनों तरफ ओपन स्पेस छोड़ा गया था, तो पूरे मकान में आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलेगा। आप पीछे भी देख रहे हैं विंडो दिख रही है अच्छी। रूफ टू फ्लोर का स्पेस हो गया डाइनिंग एरिया का, और इसके बाद किचन का स्पेस देखिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार। मेरे ख्याल से ऐसा किचन किसी भी महिला के लिए ड्रीम किचन होता है। प्रॉपर एल शेप में आपको प्लेटफॉर्म दिख रहा है, नीचे शेल्फ बने हुए हैं, ऊपर भी पूरे कैबिनेट्स बने हुए हैं, फॉल सीलिंग की हुई है रूफ पे। नीचे इतना स्पेस मिल रहा है जितना नॉर्मल डुप्लेक्सेस के बेडरूम में होता है। एक बार स्लो मोशन में मैं आपको पूरा प्लेटफॉर्म का स्पेस दिखा देता हूँ, और किचन से अटैच है हमारा वॉश एरिया। वॉश एरिया ओपन टू स्काइज का स्पेस है और डुप्लेक्स के एकदम सेंटर में है, तो यहाँ से आप देखेंगे स्पेस भी अच्छा है आपके घूमने के काम करने के हिसाब से। तीनों वॉल पे इसमें प्लंबिंग फिटिंग्स दी हुई है जिससे कि आप आराम से काम कर सकें। वॉश बेसिन का भी स्पेस दिया हुआ है यहाँ पे प्रोविजन आपको।
तो आपके यहाँ यदि एक से ज्यादा सर्वेंट भी हैं तो वो एट अ टाइम साथ में काम कर सकते हैं। और ये मैं पीछे से स्पेस इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये किचन से अटैच है और दूसरा गेट जो सामने दिख रहा है ये डायरेक्ट आ जाता है ड्राइंग एरिया में। तो ये वापस से हम घूम फिर के आ गए अपने ड्राइंग एरिया में। तो एक बार फिर से आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं ड्राइंग एरिया का पूरा व्यू। और अब यहाँ से हम चलते हैं अपने डाइनिंग एरिया से अटैच जो गेस्ट बेडरूम था उसमें। ये हमारा गेस्ट बेडरूम का एंट्रेंस गेट दिख रहा है और इसमें भी आप देखिए काफ़ी अच्छा, मेरे ख्याल से करीब 12x14 का ये बेडरूम साइज है और वुडन वर्क प्लस फॉल सीलिंग दोनों किया जा रहा है भाई साहब गेस्ट बेडरूम में भी। तो खर्चा पूरा दबा के किया है, बहुत मन से ये मकान बनाया है और आप महसूस करेंगे जब आप खुद ये प्रॉपर्टी देखने के लिए आएंगे। तो हर रूम में आप ध्यान देंगे अलग फ्लोरिंग टाइल्स यूज की गई हैं, सामने टीवी यूनिट कैबिनेट बन रहा है और ऊपर भी जैसा मैंने आपको बताया फॉल सीलिंग है, लाइटिंग पूरी सीलिंग के अंदर है। और एक खासियत इस बेडरूम की यह है कि इसका डायरेक्ट स्टेयर्स पोर्शन से हमारा अप्रोच है, तो हम बिना ड्राइंग एरिया में अंदर एंटर किए गए डायरेक्ट अपने इस रूम में भी आ सकते हैं। लेआउट डिजाइनिंग के वक्त छोटी छोटी चीजों का विशेष ध्यान रखा है ओनर ने इसमें। और अब रूम से बाहर चलते हैं, ड्राइंग एरिया में वापस आ गए और सामने आपको जो गेट दिख रहा है इसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में हमारे दो बेडरूम आएंगे और सामने हमें दिख रहा है कॉमन वॉशरूम स्पेस। तो पहले हम अपना देख लेते हैं कॉमन वॉशरूम का स्पेस। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ओनर ने खुद अपने रहने के हिसाब से बनाया था, तो कॉमन वॉशरूम में भी आप प्रोडक्ट की क्वालिटी देखिए, प्रीमियम ब्रांडेड वॉल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, इवन फॉल सीलिंग की हुई है रूफ में भी, हर चीज आपको एकदम शानदार मिलेगी इसमें। पूरी रूफ हाइट तक वॉल टाइल्स लगी हुई है, एंटी स्किड फ्लोरिंग टाइल्स का यूज किया गया है और कॉमन वॉशरूम के बगल में ही आएगा हमारे डुप्लेक्स का फर्स्ट बेडरूम। तो बेडरूम में अंदर एंटर होते ही आपका सबसे पहले ध्यान जाएगा कि बेड कवर्ड वगैरह मतलब पूरा वुडन वर्क सब कंप्लीट करके दे रहे हैं ओनर इसमें। और एक ध्यान देने वाली चीज और यह है कि फ्लोरिंग का शेड, इवन फर्नीचर का शेड भी सारे बेडरूम में, किचन में, हर जगह अलग है। इवन बाथरूम में भी जो टॉयल्स यूज की गई हैं वो सब डिफरेंट हैं और सारी चीजें बहुत प्रीमियम हैं। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट बेडरूम का चारों तरफ से पूरा व्यू। कबर्ड का सेक्शन मैंने आपको दिखा दिया, सामने आप देख रहे हैं बाथरूम का गेट और इसके बगल में ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा ड्रेसिंग के हिसाब से पूरा बनाया जा रहा है। ये कबर्ड सेक्शन हो गया, ये भी नॉर्मल प्लाईबोर्ड नहीं है, क्वालिटी वाइज बहुत बढ़िया यूज की गई हैं चीजें। बाथरूम में अगेन जैसा मैंने आपको बोला ये आपका फ्लोर हो गया, वॉल टाइल्स देखिए पूरी रूफ हाइट तक लगाई गई हैं और इसमें डिफरेंट शेड यूज किए गए हैं। सैनिटरी फिटिंग्स, प्लम्बिंग फिटिंग्स सब ब्रांडेड यूज किए गए हैं, कौन से ब्रांड के और कौन से वेरिएंट लगे हैं वो आपको साइट विजिट पे बताया जाएगा। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट बेडरूम का अटैच लेट बाथ। और आप देखिए इसमें ड्रेसिंग कबर्ड प्लस किंग साइज का बेड बना हुआ है, उसके बाद भी मूवमेंट के लिए अच्छी खासी स्पेस बचती है पूरे रूम में। तो लेआउट की डिजाइनिंग वाइज बहुत अच्छी प्लानिंग है पूरे मकान की। और सामने आप जो विंडो और गेट देख रहे हैं यहाँ से बाहर आती है हमारी मेन बड़ी बालकनी। बालकनी का स्पेस पूरा मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे काम काफी फैला हुआ है चारों तरफ तो आप उसको थोड़ा नजरअंदाज कीजिएगा, साफ सफाई को, एरिया पे ध्यान दीजिए एरिया कितना है। और बालकनी से मैं आपको एक बार पूरा व्यू दिखा देता हूँ, ये सामने वही गार्डन है जहाँ से हमने वीडियो की शुरुआत की थी। तो भाई साहब मकान तो अंदर से बहुत अच्छा है, क्वालिटी में कहीं से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, सब हमें समझ में आ रहा है, परंतु लोकेशन भी तो अच्छी होनी चाहिए ना, तो इसलिए आप एक बार बाहर का भी नजारा देख लीजिए। वापस से हम आ गए अपनी बालकनी में, यहाँ से आपको पूरा फ्लोर का स्पेस समझ में आ जाएगा। सामने जो आपको गेट दिख रहा है ये हमारे थर्ड बेडरूम है फर्स्ट फ्लोर का ही, ये MS की रेलिंग से थोड़ा सा इन्होंने कवर कर दिया जिससे कि एलिवेशन में भी थोड़ा सा अच्छा व्यू आ जाए बाहर से। और यहीं से हम डायरेक्टली एंटर करेंगे अपने फर्स्ट फ्लोर के थर्ड बेडरूम में। मकान के हिसाब से ये फर्स्ट फ्लोर का थर्ड बेडरूम आएगा, परंतु डुप्लेक्स के हिसाब से ये ग्राउंड फ्लोर का ही फर्स्ट बेडरूम थर्ड बेडरूम है। तो इस बेडरूम का भी मैं आपको चारों तरफ से व्यू दिखा देता हूँ। और वुडन वर्क काफी हैवी क्वालिटी का करवा रहे हैं ओनर इसमें। रूफ आप देखेंगे तो सिंपल है पर हर रूम में थोड़ी सी डिफरेंट है। ये आपका फ्लोर टू रूफ का स्पेस हो गया। और साइड में आप देख रहे हैं अच्छी बड़ी विंडो दी है जो कि डुप्लेक्स के मेन फ्रंट में आती है, यहाँ से भी हमारे गार्डन का व्यू आ रहा है पूरा। तो यहाँ से भी सामने आपको अच्छी हरियाली दिख रही है और किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो आपकी प्राइवेसी भी बनी रहेगी, आप यहाँ की विंडो पूरे टाइम ओपन रख सकते हैं। इसी के साथ ये हो गया हमारा ग्राउंड फ्लोर पूरा कवर। अब हम इस रूम से बाहर चलते हैं और वापस से आ जाएंगे अपने ड्राइंग एरिया वाले पोर्शन में जहाँ से हमने वीडियो की शुरुआत की थी। ये पूरा मैं आपको एरिया दिखा देता हूँ ड्राइंग एरिया का एक बार फिर से। साइड में आप देख रहे हैं एंट्रेंस गेट दिख रहा है और इसके लेफ्ट हैंड साइड में हमारी स्टेयर्स दी हैं फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए, यानी डुप्लेक्स के फर्स्ट फ्लोर पे, मकान के सेकंड फ्लोर पे।
स्टेयर्स में आप स्टेप्स की हाइट देख रहे हैं, मात्र 6 इंच की दी गई है, जिससे कि उतरने चढ़ने में आपको प्रॉब्लम ना हो। और एल शेप में ये स्टेयर्स बनाए हैं क्योंकि इसकी रेलिंग पे टीक वुड से काम किया जाएगा पूरा, तो जिससे कि आपको ड्राइंग एरिया का पूरा स्टेयर्स का व्यू आए, इसलिए इसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है। यहां से मैं आपको सेकंड फ्लोर का एक बार पूरा व्यू दिखा देता हूं। ये एक बेडरूम दिख रहा है हमारा, सामने जो गेट देख रहे हैं आप, साइड में ये दूसरा बेडरूम है, और इसके बगल में आएगा ये जो आपको गेट दिख रहा है, यहां से हमारा ओपन टेरेस प्लस पीछे एक छोटा सा सर्वेंट रूम दिया हुआ है। तो सेकंड फ्लोर की शुरुआत ओपन टेरेस से ही करते हैं। यहां से मैं आपको पूरे टेरेस का स्पेस दिखा देता हूं। ये अच्छा खासा बड़ा स्पेस है, यहां पे आप अपना सिटिंग लाउंज वगैरह बना सकते हैं, इतनी जगह है। और इसके साथ में नीचे हमारा फर्स्ट फ्लोर पे जो वॉश एरिया था वो ओपन टू स्काई था, जैसे मैंने आपको बताया था, तो उसका स्पेस आपको दिख रहा है। साइड में ये देखिए किचन के प्लेटफॉर्म दिख रहे हैं यहां से। तो ये हो गया हमारा टेरेस का पोर्शन, और इसके साथ अटैच जो मैं आपको सर्वेंट रूम बोल रहा था, आप इसको सर्वेंट रूम के हिसाब से लाइब्रेरी, योगा रूम, जो भी आप जैसा भी यूज करना चाहें स्टोर स्पेस के हिसाब से, मतलब है यूटिलिटी के लिए आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस दिया हुआ है। बाकी यूज कैसा करना है ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे मेरे ख्याल से इतने रेंज में जो आदमी मकान खरीदता है उसके पास सर्वेंट तो रहता ही है। और इस रूम के साथ अटैच एक लेडबाथ भी है, सामने आपको दिख रहा है, तो सर्वेंट रूम के हिसाब से वैसे एकदम आइडियल है ये स्पेस। और आप देख रहे हैं ओनर ने सर्वेंट रूम के हिसाब से ही बनाया है, उसके बावजूद भी प्रोडक्ट की क्वालिटी में कहीं से भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। पूरी वॉल टाइल्स लगी हुई है रूफ हाइट तक, और हर चीज एकदम ब्रांडेड है। तो अब हम वापस चलते हैं अपने ओपन टेरेस में, और एक बार फिर से इस एंगल से आप एक्चुअल फ्लोर स्पेस देखिए, यहां से आपको एक्चुअल एरिया समझ में आएगा पूरा। और टेरेस से भी मैं आपको दोनों तरफ तीनों तरफ का व्यू दिखा देता हूं। सामने आप देख रहे हैं हमारे बेडरूम की विंडो दिख रही है, ये साइड में जो सर्वेंट रूम मैंने आपको दिखाया, ऊपर आपको दिखा देता हूं, पीछे पूरी रेलिंग लगी हुई है, एमएस के रेलिंग है ये, ऊपर आप मल्टी पोर्शन दिख रहा है। सामने आप जो कपड़ा देख रहे हैं लगा हुआ, ये सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे आने का बाहर से जो स्टेयर्स पोर्शन था वो था, परंतु ये अभी बंद है, शायद काम वगैरह कुछ चल रहा है इसलिए। तो अब हम यहां से चलते हैं वापस और अपने सेकंड फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम देख लेते हैं। तो दोस्तों ये होगा हमारे इस फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम, पर डुप्लेक्स का फोर्थ बेडरूम है, और बैक साइड की टेरेस से लगा हुआ ये बेडरूम आएगा। ये आपको मैं पूरा बेडरूम का एरिया दिखा देता हूं, इसमें भी अच्छा खासा वुडन वर्क चल रहा है। और बेडरूम के डाइमेंशंस के बारे में तो हमने अभी तक बात ही नहीं की है। इस मकान का हर बेडरूम नॉर्मल डुप्लेक्स के मास्टर बेडरूम से भी बड़ा है, और सनलाइट वेंटिलेशन के हिसाब से भी दोनों तरफ प्रोविजन दिया हुआ है। ये पीछे विंडो दी है जिसमें आपको बैक साइड का टेरेस पोर्शन दिख रहा है जो हमने अभी देखा, ये मैं एक बार फिर से आपको पूरा दिखा देता हूं। और इसके बाद ये देखिए आप, इसमें भी अच्छा हैवी वुडन वर्क चल रहा है। सामने हम देख रहे हैं टीवी पैनल प्लस कबर्ड का सेक्शन का काम चल रहा है पूरा, और बेडरूम के बीच में ये एक छोटा सा सेपरेशन दिया है जिससे कि ड्रेसिंग और बेडरूम अलग अलग हो जाए। उससे पहले मैं आपको फ्रंट की बालकनी दिखा देता हूँ। ये जितना बड़ा पीछे टेरेस का पोर्शन था लगभग उतना ही स्पेस है यहाँ फ्रंट में भी, और क्योंकि ये डुप्लेक्स के फ्रंट की बालकनी है तो इसको हाफ ओपन हाफ कवर्ड रखा गया है, जिससे कि हर मौसम में बैठ भी सकें प्लस फ्रंट से एलिवेशन का भी अच्छा लुक आ जाए। ये हम वापस से आ गए हैं अपने ड्रेसिंग एरिया में, जो वुडन वर्क से डिवाइड किया गया है बेडरूम के बीचों बीच, और इससे अटैच है हमारा बाथरूम का स्पेस। बाथरूम में देखिए अगेन वॉल टाइल्स देख के तो मेरा जितना बार दिखा रहा हूं उतनी बार दिल खुश हो रहा है। तो दोस्तों डुप्लेक्स लगभग फिनिशिंग की स्टेज पे है, इसमें लास्ट एकदम फिटिंग एंड फिक्सचर्स का और फाइनल टचअप का काम बचा हुआ है, और उसके बाद डुप्लेक्स एक बार रेडी होने के बाद मुझे नहीं लगता ज्यादा टाइम लगेगा इसे बिकने में, क्योंकि ओनर ने जिस क्वालिटी का काम करवाया है इस डुप्लेक्स में, यदि आप प्लॉट लेके खुद भी कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वैसा बनाना बड़ा मुश्किल होगा। बहुत प्रीमियम क्वालिटी का मटेरियल यूज किया है, और पूरा मकान अपने सामने खड़े होकर बनवाया है ओनर ने इसमें, इसलिए इतनी खूबसूरती से हर चीज में फिनिशिंग आई है। और फिर त्रिलंगा की एकदम प्राइम लोकेशन है, गार्डन फेसिंग यूनिट है, और आप देखेंगे तो डुप्लेक्स के साथ साथ आपको ग्राउंड फ्लोर पे दो फ्लैट भी तो मिल रहे हैं, जो आप चाहें तो इंडिविजुअली रेंट पर भी दे सकते हैं, तो आप रहेंगे भी और आपकी इनकम भी जनरेट होगी इस मकान से देखा जाए तो। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसके कारण मेरे हिसाब से तो ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी हो जाती है, और इतनी शानदार लोकेशन में तो ऐसे अपॉर्चुनिटी बार बार तो हमें मिलती नहीं है। और इसी के साथ हम पहुंच गए अपने डुप्लेक्स के फिफ्थ बेडरूम में, और हर बेडरूम की तरह इसमें भी आप देखेंगे फ्लोर टाइल्स जो है वो डिफरेंट शेड्स की है। इवन सामने जो वुडन वर्क देख रहे हैं आप कवर्ड पे जो माइका लगा है वो भी अलग शेड का है। तो ये आप देख रहे हैं फ्लोर का पूरा स्पेस, सामने कवर्ड और ड्रेसिंग दिख रहा है जैसे कि हमने सेकंड बेडरूम में भी देखा था। ड्रेसिंग के साइड में आ जाएगा हमारा रूम से अटैच लेड बाथ। तो 2100 स्क्वायर फीट के प्लॉट एरिया पे 5 BHK, वो भी टॉप क्लास क्वालिटी का वुडन वर्क किया हुआ डुप्लेक्स, और गार्डन फेसिंग प्रॉपर्टी त्रिलंगा की लोकेशन में, प्लस ग्राउंड फ्लोर पे दो छोटे 2 BHK फ्लैट भी मिल रहे हैं जो आप छोटी फैमिली को इजिली रेंट पे दे सकते हैं।
और इतनी सारी खूबियों के साथ इस शानदार प्रॉपर्टी की कीमत है मात्र 2.5 करोड़ रुपए। एक बार फिर से मैं आपको रूम का पूरा फ्लोर टू रूफ का स्पेस दिखा देता हूँ। चारों तरफ से मैं आपको बेडरूम का एरिया कवर कर लेता हूँ। सामने आप देख रहे हैं वुडन वर्क से टीवी यूनिट पैनलिंग का काम चल रहा है। साइड में आप ये देख रहे हैं हमारा कवर्ड सेक्शन बना हुआ है। माइका का काम देखिए आप कितना शानदार क्वालिटी का है। और रूम से अटैच एक बालकनी भी है, बालकनी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सर गुलमोहर बावड़िया त्रिलंगा की लोकेशन में आजकल नॉर्मली जो 2100 स्क्वायर फीट पे 4 BHK 5 BHK डुप्लेक्स बन रहे हैं उसके ओनर्स 2.25 करोड़ रुपए डिमांड करते हैं। और ये आपको 5 BHK डुप्लेक्स, 2 फ्लैट वुडन वर्क करके कंप्लीट, वो भी गार्डन फेसिंग यूनिट आपको मिल रही है 2.5 करोड़ में। तो मेरे हिसाब से ये कोई बुरी डील नहीं है, ये कंप्लीट पैकेज है। और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आपको इस प्रोजेक्ट की एक बार साइट विजिट तो करनी पड़ेगी। और उसके लिए आपको मेरा नंबर इस वक्त स्क्रीन पे दिख रहा है, आप दिए गए नंबर पे कॉल करें। और एक बहुत जरूरी बात बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, भाई साहब ओनर बहुत ही सिंपल और बहुत ही जेन्युइन लोग हैं। आपको अगर प्रॉपर्टी में थोड़ा 19-20 का कन्फ्यूजन होगा भी तो आपको उनसे मिलने के बाद कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और इसी के साथ हम आ गए हैं अपने फ्रंट के टेरेस पोर्शन में या बालकनी, जो भी आप इसे बोलना चाहें। ये दोनों बेडरूम से अटैच है, हाफ कवर्ड और हाफ ओपन रहेगी। और यहां से भी मैं आपको एक बार बाहर का पूरा व्यू दिखा देता हूं। तो डुप्लेक्स के दोनों फ्लोर पे फ्रंट में एक अच्छी बड़ी बालकनी दी हुई है और गार्डन फेसिंग यूनिट है, तो आप शाम के वक्त या बरसात के मौसम में आराम से इस हरे भरे गार्डन का लुक ले सकते हैं। और अब फाइनली हम स्टेयर से वापस चलते हैं नीचे की तरफ अपने ड्राइंग एरिया में। और मैं यहाँ पे दोबारा से इसलिए आ गया हूँ क्योंकि अंदर से जो स्टेयर ऊपर गई थी वो बंद थी, तो हम बाहर वाली स्टेयर से ऊपर चलेंगे और अपना टेरेस पोर्शन देखेंगे एक बार। इस वक्त टेरेस से मेरा मतलब है छत का पोर्शन। तो हम अभी डुप्लेक्स के फर्स्ट फ्लोर पे हैं और यहाँ से ऊपर चलेंगे। स्टेयर्स का एरिया भी मैं आपको दिखाते हुए चल रहा हूँ साथ साथ। तो ये हम आ गए डुप्लेक्स के सेकंड फ्लोर पे, जहाँ पे हमारा सर्वेंट रूम वाला स्पेस था पीछे की जो बालकनी थी वहाँ पे। ये गेट बंद था इसलिए मैं आपको यहाँ से ले जा नहीं पाया था। और यहाँ से भी ऊपर चलेंगे जो फाइनल हमारी छत है, थर्ड फ्लोर यानी। अरे भैया डुप्लेक्स नहीं पूरी बिल्डिंग है ये, और इसकी प्लानिंग भी इतनी क्लेवरली की गई है ना कि आपको एक बार में तो समझ में नहीं आएगा वीडियो में, कम से कम रिपीट करके 2-3 बार देखना पड़ेगा या फिर एक्चुअल साइट विजिट जब आप इसकी करेंगे तभी आपको एग्जैक्ट डुप्लेक्स या मकान जो भी मैं इसे बोलूं वो पूरा समझ में आएगा। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने छत के पोर्शन में। ये आप देख रहे हैं छोटा सा स्टोरेज के हिसाब से स्पेस दिया हुआ है यहाँ पर भी। सामने विंडो देख रहे हैं, गेट अभी लगना बाकी है इसमें। और पूरे छत के पोर्शन में भी आप देखेंगे तो 2x2 की एंटी स्किड टाइल्स लगी हुई है। वाटर प्रूफिंग का पूरा काम किया हुआ है इसमें, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी सीपेज से रिलेटेड। आपको ममटी का पोर्शन एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए भी ऊपर जाने के लिए टंकी वगैरह साफ करने के लिए फैब्रिकेशन की स्टेयर्स दी हुई हैं। एक बार सेकंड फ्लोर का टेरेस पोर्शन या पीछे वाली बालकनी जो मैंने आपको दिखाई थी वो दिखा देता हूँ यहाँ से। और इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप चाहते हैं मैं भविष्य में भी ऐसी बेहतरीन प्रॉपर्टीज आपके लिए लाते रहूं तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे कि भविष्य में भी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें इतनी ही शानदार और खूबसूरत प्रॉपर्टी के। छत पे भी एक अलग से वॉशरूम का स्पेस दिया हुआ है, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी मेरे ख्याल से, परंतु फिर भी एक एक्स्ट्रा ध्यान में रखते हुए ओनर ने बनाया है, तो आप सोचिए कितने दिलदार ओनर होंगे। और अब हम आ गए थर्ड फ्लोर पे। यहाँ से मैं आपको खूबसूरत नजारा दिखा देता हूँ चारों तरफ का, नीचे हरी भरी वादियां और ऊपर नीला आसमान। तो इतनी शानदार प्रॉपर्टी को यदि आप अपना बनाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे साइट विजिट लिए संपर्क करना बिल्कुल ना भूलें। और जाने से पहले एक बार आपको मकान के सामने की रोड की चौड़ाई दिखा देता हूँ। और एक बार आपसे फिर से निवेदन करूंगा कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।